हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का भी बड़े ही मज़ेदार टॉपिक मैं लेके आया हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे। आज यार मैं एक थोड़ा सा मुआशरे के एक मसले की जानिब आपकी तवज्जो कराना चाह रहा हूँ। देखें, मैं अक्सर सुबह जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ, मैं खुद भी बाइक यूज़ करता हूँ, चलाता भी हूँ बाइक और बाइक पे लोगों से लिफ्ट भी लेता हूँ, तो आप लोगों भी देखा होगा अक्सर। तो जब मैं गुजर रहा होता हूँ बाइक पे तो मैं नोट करता हूँ काफ़ी लोग मुझे हाथ देते हैं कि यार हमें लिफ्ट दे दो, और जो ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग हजरात होते हैं वो अक्सर हाथ देते हैं कि यार आप हमें आगे तक लिफ्ट दे दो। तो ज़ाहिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रोक के उनको आगे तक जहाँ भी जाना हो मैक्सिमम जो मेरी पॉसिबल है कि मैं जहाँ तक उनको छोड़ सकता हूँ, मेरी जहाँ तक का मुसाफत है वहाँ उनको छोड़ दूँ। तो बट अक्सर मेरे सामने ऐसे वाक़यात और ऐसे मंज़र देखने में आए कि बेचारे अक्सर लोग स्टॉप पे खड़े हुए हैं और हाथ दे रहे हैं लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा, और ख़ास तौर पर बाइक वाले। गाड़ी तो चलें ठीक है, नहीं रोकता कोई, लेकिन बाइक वाले जो है वो गाड़ी नहीं रोकते। अच्छा, बात कर लेते हैं कि यार क्यों नहीं रोकते होंगे। डर है उन्हें, ठीक है, एक बात इस पे कर लेते हैं कि डर है कि कहीं कोई स्नैचर ना हो, ठीक है, यही डर होता है, और कोई हमसे मोबाइल ना छीन ले या कोई हमसे पैसे ना छीन ले, इस वजह से जो लोग हैं वो डरते होंगे, ठीक है। दूसरा क्या वजह होती होगी कि लोग लिफ्ट नहीं देते होंगे, उनको देर हो रही होती होगी, और देर होने की वजह से या तो नहीं बिठाते होंगे, या फिर तीसरी वजह होती होगी कि कोई वजह ही नहीं होती होगी, यानी खामा खा बस किसी ने हाथ दिया लेकिन वो बस नहीं रोक रहे बाइक। मतलब जहन में उनकी शायद कोई नीयत नहीं होती होगी अच्छी या बुरी कि हमने रोकना या नहीं रोकना, बस वो बस अपनी धुन में मगन चला रहे होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रोका या किसी ने नहीं रोका या क्या है क्या नहीं। तो अगर मैं पहले वाली बात करूं कि आपके दिल में डर है, तो मेरी ज़िंदगी कराची में गुजरी है, कराची में सबसे ज़्यादा स्नैचिंग होती है। तो आज तक जितने भी दोस्त अहबाब या जो भी मीडिया पे मैंने वाकयात देखे उसमें मैंने लिफ्ट लेके स्नैचिंग करते हुए तो नहीं सुना, और अगर किसी से सुना है आपने तो आप बता दें, क्या पता किसी ने किया भी हो ऐसा कि लिफ्ट ली और देन स्नैचिंग की हो, बट मैंने नहीं सुना। तो एक तो ये वाली बात तो बहुत ही ऑकवर्ड सी है कि यार कोई इस डर से लिफ्ट नहीं देता। अच्छा, आप अब मिसाल के तौर पे आप सुबह जा रहे हो और आप के पास आप सॉरी आप सुबह जा रहे हो और आप स्टॉप से गुजर रहे हो, आपको रोज़ाना एक पर्टिकुलर बंदा या बंदी, बंदी बोलना सॉरी, एक पर्टिकुलर बंदा बंदी को लिफ्ट नहीं दे, गलत बात है, तो एक बंदा जो है वो आपको पर्टिकुलर हाथ देता है और वो कहता है कि यार मुझे जाना है, और आप देख रहे हो रोज़ाना वो स्टॉप पे खड़ा होता है, तो यार वो तो स्नैचर नहीं होगा ना, ज़ाहिर बात है वो स्नैचर नहीं है जब ये रोज़ाना आपको स्टॉप पे दिख रहा है। तो ये तो बहुत ही लेम सा एक्सक्यूज़ होगा कि यार स्नैचिंग की वजह से हम लोग नहीं करते ना, एक बंदा आपको रेगुलर दिख रहा है या कोई बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग तो मैंने भी कोई स्नैचर नहीं देखा ना, ठीक है, तो ये भी बड़ी सी लेम सी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये, तो ये वाला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया ना कि यार वो स्नैचिंग वाला फैक्टर नहीं होता जो लिफ्ट मांग रहे होते हैं। हाँ, अनलेस कि यार कोई मतलब आप जंगल बियाबान में हो और आप डाकुओं ने कोई चाल चली हुई और फिर वो डाकू में से एक बंदा आके आपको रोकता है लिफ्ट के बहाने और फिर पीछे से डाकू आ जाते हैं, तो यार जंगल वंगल में ऐसे सीन तो देखने में आते हैं, बट अपने कराची शहर में तो मुझे ऐसा कोई सीन नहीं दिखता, ना समझ में आता है लॉजिकली कि यार ऐसा होगा। बट चलें, फिर भी मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार आप लोग देखिए, मैं क्यों इस बात पे तवज्जो देना चाह रहा हूँ वो मैं अभी बताता हूँ। अब पहले ये आपको पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ ये वाला कि भाई देखें स्नैचिंग वाला सीन तो नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको ये होता होगा कि यार मुझे देर हो जाएगी। देखें यार, किसी को आपने बाइक रोकी, उसने बैठा और आपने उसको उतारा, इसमें यार मैक्सिमम अगर आप मुझसे पूछेंगे ना 5 मिनट भी बहुत बता रहा हूँ, 2 मिनट बहुत होंगे उतारना चढ़ाने में, और चलो 3 मिनट ज़्यादा होंगे बात, यार आप अपनी ज़िंदगी में 5-10 मिनट अगर लेट हो जाते हैं किसी को लिफ्ट देने के खातिर, तो यार ये मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा मसला है लाइफ का कि आपके पता नहीं कितना कितना टाइम आपका ज़ाया हो जाता होगा
दूसरी एक्टिविटीज के अंदर, बट आप यहाँ पे काउंट कर रहे हो कि मेरे 2 मिनट या 5 मिनट ज़ाया होता है, तो ये भी कोई लेम एक्सक्यूज नहीं बनता, ठीक है ना। तीसरा है कि ऐवें ही खामा खाम बस गुजर जाते हैं और देखते नहीं है, तो भाई ये तो इसी वजह से वीडियो बनाई जा रही है कि यार आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई हाथ जोड़ के कि यार काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो 50 रुपये अगर उनके चिंची का किराया बच जाए तो शायद वो अपने बच्चों के लिए 2 रोटी ले जाते हैं घर। तो हम लोग क्योंकि एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारे लिए शायद ये जो चिंची के पैसे किसी के बच रहे होते हैं ये इतने कीमती ना हो, लेकिन आप उन लोगों का सोचें कि जिनके बच्चे भूखे बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि यार अगर मेरा ये चिंची का किराया बच जाएगा या बस का किराया बच जाएगा तो मैं अपने बच्चों के लिए 2 रोटी लेके चला जाऊंगा घर दादा, या 2 रोटी चली जाएगी घर इस बहाने, वो ये सोचते हैं, या पैदल जा रहे होते हैं यार पैसे बचाने के लिए। मैंने अक्सर लोग को मैंने जब दी अपना लिफ्ट दी तो उन्होंने कहा यार मैं, कोई बोलता है मैं फलानी जगह से पैदल आ रहा हूँ यहाँ तक, कोई बोलता है मैं 5 किलोमीटर तक पैदल चल रहा था, किसी ने लिफ्ट नहीं दी। तो इस तरह के डिफरेंट फीडबैक मिलते हैं, मुझे नहीं पता वो सच बोल रहे होते हैं या झूठ, लेकिन फीडबैक इस तरह से आता है। तो जितने भी बाइकर हजरात हैं भाई, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के यार कि आप लोग ठीक है, आप लोग अपने थोड़ा सा दिमाग ज़रूर चलाओ कि यार कहीं मेरी वजह से आपको नुकसान ना हो, मैं नहीं चाहता, लेकिन यार अपना दिमाग थोड़ा सा चलाओ। आपको लगता है जेन्युइनली कोई बंदा आपसे लिफ्ट मांग रहा है, थोड़ा आप लोग भी, अब कराची में रहते हो इतना तो जज कोई हर कोई कर लेता है यार कि ये मतलब मुझे नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो अगर आप लोग किसी को लिफ्ट दे दो, किसी के 20-25-30-40 रुपये बच जाते हैं और उसका फ़ायदा हो जाता है, तो यार आप लोगों को भी अल्लाह ताला सवाब देगा, मुझे भी इसका सवाब मिलेगा और आपको भी मिलेगा। और देखो एक तो ये बात है कि सवाब की खातिर और किसी की मदद की खातिर है, दूसरा है कि यार आप ये भी तो देखो ना कि माशरती तौर पे माशरे का भी फ़ायदा है ना, कि एक बंदा अकेला जा रहा है बाइक पे, उसको वो बंदा पैसा खर्च करके ज़बरदस्ती किसी और जगह पे जाएगा, तो यार आप उसको दूसरा अपने पीछे खाली सीट बैठी है, खाली सीट पड़ी भी है, आप उसको उस पर बिठा के ले जा सकते हो, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो किसी की भलाई करो आप लोग तमाम लोग, और आपका भी इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अगर हम माशरे में एक अच्छा वैल्यू ऐड कर सकते हैं या कहीं पे किसी की मदद कर सकते हैं और हमारे इख्तियार में और हमारा कुछ जाता भी नहीं है, क्योंकि यार खाली बाइक जा रही होती है, हमने बिठाना है और छोड़ देना जहाँ तक बंदे ने जाना है, और लोग दुआएँ दे रहे होते हैं, मैंने अक्सर नोट किया यार बेचारे इतना ज़्यादा दुआएँ दे रहे होते हैं जैसे पता नहीं हमने कितना बड़ा एहसान कर दिया, हालाँकि क्या किया है, बस बाइक जा रही थी उस पर किसी को बिठाया और उसको मतलब आगे स्टॉप तक ही छोड़ा है, लेकिन लोग ऐसे दुआएं दे रहे होते हैं जैसे पता नहीं हमने कितना लाखों करोड़ों का फायदा कर दिया। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक भी पसंद आया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो तक, गुड बाय।